रेडी हैं, देख सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे बहुत ही मंदिर। आपको पता था इसलिए मंदिर से दूर रहते थे। दिए ना उसको दिए, लेकिन दोबारा फिर दौड़ के आया, लेकिन सीधा काट लिया। शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रहा है। पूरा पेड़ा मार्केट है, पूरा का पूरा, हर दुकान सिर्फ पेड़ा, सिर्फ पेड़ा, A to Z दुकान ही पेड़ा का है और कोई दूसरा दुकान ही नहीं है। देख लो, इसमें दौड़ाया जाएगा क्या? देख लो गाइस, हमारे पीछे यही मंदिर, यहीं पे जाना है, लंबा लाइन लगा के। तो फाइनली गाइस एक मैच विन हो चुके हैं हम। आज आप चलते हैं घर की ओर। सोन पापड़ी बहुत फेमस है, उधर पेड़ा बहुत फेमस है, यहाँ सोन पापड़ी बहुत फेमस है। अब यहाँ से सोन पापड़ी पैकिंग करवाते हैं गाइस। रुक जाओ, जब बुलाए अपने पास तो महादेव ही रिटर्न भेजेंगे। और खाना वाना का देखते हैं क्या है प्रबंध, खाना वाना खाते हैं फिर आगे चलते हैं। ट्रिप का लास्ट स्टॉपेज, अब हमारा ट्रिप हो चुका कंप्लीट। 3 दिन का ट्रिप था, बड़ा मज़ा आ गया। हाँ भाई, क्या खा रहा है? बिहार का देसी फूड। 5:03। तो गाइस इतना ज़्यादा मॉर्निंग में पता है क्यों उठ गया, क्योंकि हमें जाना है बासुकीनाथ। और बासुकीनाथ में बताया जाता है बहुत लंबा भीड़ होता है गाइस, बहुत लंबा लाइन लगाया जाता है। तो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आए हो बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एक नंबर से होंगे गाइस। तो अभी हमें पता है क्या क्या काम है गाइस। नहाना है और यहाँ से एनी हाउ 6 बजे निकल जाना है हम लोगों को गाइस। सारे बंदे तो नहा लिए, बट अभी हम छुटे हुए हैं गाइस, क्योंकि वॉशरूम के आगे कॉमन वॉशरूम है, भीड़ लगा हुआ है। खैर कोई ना, हो जाएगा गाइस। चलना तो बाबा धाम ही है, बाबा के पास नहीं है। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको नहा हुआ के, फ्रेश होके। चलो, तो ठंडा मारा हुआ है। चलो जियो, ये देख लो गाइस, 4.5 आदमी का शॉपिंग। और सभी तैयारी कर रहे हैं, सबका वजन चेक किया जा रहा है, कौन कितना मार्केटिंग किया। हाँ सुजीत, मार्केटिंग तो तुम बहुत किया है। सुबह नहा धो के आप चले, बहुत एक्साइटेड हैं हम बासुकीनाथ धाम जाने के लिए। सभी लोग रेडी हैं, देख सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे बासुकीनाथ धाम के लिए और वहाँ पे देखो गाइस, ये हमारे पंडित जी जो होते हैं ना, वो फैमिली पंडित वही है ये। और ये गाइस, ये अपना भक्त लोग को एकदम रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, रक्षा सूत्र, कि अगर आप यहाँ तक आए हो तो महादेव आप पे कृपा करे और रक्षा करे। झोले उठाए निकल पड़े बाबा लोग का, यही तो कहानी है। झोला उठाते बस निकल पड़ते हैं जिधर मन तिधर के लिए, ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण के लिए गाइस। देख रहे हो झोला, और पीछे देखो, पीछे हर एक के पास झोला, आगे झोला। तो गाइस फाइनली 6:30 बजे निकल रहे हैं हम लोग बासुकीनाथ के लिए। देखो आप कितने बजे पहुँचते हैं। आई होप जल्दी पहुँचना चाहिए और जल्दी वहाँ पे सारा सिस्टम सौदा कंप्लीट होना चाहिए, फिर घर की ओर निकलेंगे। और रास्ते में जैसा होता है सब आपको बताते हैं, कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, मजाक मस्ती, बाबा का नाम, जो भी होता है सारा बताएंगे गाइस। बस आप लोग रेगुलर बने रहे हो। ये देखो भाई, बाबा लोग का झोला, झोला उठा रहे हैं, बस निकल पड़ रहे हैं ब्राह्मण में। शॉपिंग तो सब में प्रसाद उरसाद भी है गाइस, क्योंकि ले जाके डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है प्रसादी, और बच्चों के लिए खिलौना। कितना घंटा लगता है बस बासुकीनाथ जाने में? 1 घंटा 20 मिनट से कम नहीं लगेगा। अच्छा, 1 घंटा 20 मिनट से कम नहीं, मतलब धीरे धीरे आराम से, स्टॉप भी 1-2 जगह लेकर चलेंगे। बारिश का मौसम है ना? हाँ हाँ, बारिश का मौसम है और धीरे धीरे हम लोग सब सफर करेंगे, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। और मजे पूरा रास्ते आएगा गाइस, आप लोग पूरा प्रॉपर बने रहो। ये सारे बच्चे का, इस बच्चे का हम दादा लगते हैं और इस बच्चे का चाचा लगते हैं, इसका भी चाचा लगते हैं, इसका हम दादा लगते हैं। सारा बच्चा को इनके साथ में हम चल रहे हैं। पूरा गाइस नाम विनोद सिंह है और करते क्या भी बताओ, हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। पैसा का एक नंबर गाइस, पैसे ठोक के, पैसे चाहिए तो बता देना, कांटेक्ट कर लेना। आप लोग पैसे है ऊपर वाला है, भोलेनाथ का कृपा है, तो इसलिए सबको बोलो एक बार जय माता। तो गाइस फाइनली अब बाबा धाम को छोड़ के चल रहे हैं हम लोग बासुकीनाथ। चलो चश्मा पॉकेट में रख ले, क्यों? अच्छा बंदर छीन लेता है। चलो भाई इसे पैक कर लो पहले, और जब फोन भी किधर से भी छीन लेके भाग सकता है। अरे नहीं भाई जाओ जाओ यार, बंदर का खौफ देखना। इस बंदर के लिए चने, बट बंदर के सामने ये खोल दिखाना नहीं है फोन। लिया काट लिया ना बंदर, आपको पता था इसलिए बंदर से दूर रहते थे। दिए ना उसको, दिए लेकिन दोबारा फिर दौड़ के आया लेने के लिए, सीधा काट लिया। शुरुआत हो गया गाइस। ओहो, इसलिए वहाँ पे दिखा नहीं रहे थे। ब्लॉग आ जाओ जी, गणेश जी का मंदिर है। लोग गणेश जी से, गणपति पप्पा मोरिया। पहला तो पूजा स्टार्टिंग जब भी होता है गणेश जी से ही होता है। और आगे चलते हैं, चलिए इधर सुंदर नजारा देखना। आ जाओ आ जाओ। और गाइस यहाँ पे देखो प्राचीन शिव मंदिर है, कितना खतरनाक जगह पे है ना। देखो गाइस, जय माँ काली। क्या रुपया लेते हैं? चलते हैं गाइस अब बासुकीनाथ धाम। बासुकीनाथ में मिलते हैं। समय का अभाव है, समय का बहुत अभाव है गाइस, बहुत ज्यादा अभाव है समय का, बहुत ज्यादा। भाई बंदर से बच के रहना पड़ेगा यार, कहीं से भी हमला कर सकता है। अपने साथ वाले का गाइस एक काट लिया है, वो दांत वांत लगा दिया। बताना जरा कमेंट करके उसने कौन सा इंजेक्शन लगवाया जाए। वो बंदर को चारा दे रहे थे उधर से, बंदर भाई कहानी खत्म। अभी भी आता पता नहीं, हम लोग अभी डेंजर जोन में है यार, पूरा डेंजर जोन में। बस फोन को छिपा के लेकर चलना है, फोन जहाँ देखता है बस वो और हमला कर देता है। और आप मार्केटिंग कर सकते हो, यहाँ पे दोनों साइड स्टॉल लगा हुआ है छोटा छोटा। तो गाइस बंदर का भी नहाने का टाइम है, इसलिए भी हमला नहीं हो रहा। चलो आगे दिखाते हैं हम लोग कहाँ पे नहा रहे। चलो गाइस पापा लोग के साथ चल रहे हैं, इसलिए जो है ना पूरा फ्रेंकली ब्लॉग नहीं हो पा रहा है यार, क्या बताएं। देखते हैं आगे, अगर टाना आ जाए अपने साथ तो फिर फ्रेंकली ब्लॉग होगा, तगड़ा ब्लॉग होगा। सुइया लेना ही पड़ेगा एनी हाउ, नहीं तो रेबीज हो जाएगा। यहाँ पे आके भी शॉपिंग, ये देख लो गाइस, बच्चे लोग का शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रहा है। पूरा पेड़ा मार्केट है, पूरा का पूरा, हर दुकान सिर्फ पेड़ा, सिर्फ पेड़ा, ए टू जेड दुकान ही पेड़ा का है, और कोई दूसरा दुकान ही नहीं है। देख लो अब गाइस यहाँ से पेड़ा लिया जाएगा। पेड़ा आप लोग खाए हो, अगर नहीं खाए तो कमेंट करके बताना। तो गाइस इतना बड़ा पेड़ा मार्केट में, ये सोचो सबसे पहले पेड़ा का दुकान कौन खोला होगा यार। बहुत बड़ा मार्केट है ये, बहुत बड़ा गाइस। हर दुकान, माँ दुर्गा, माँ बालाजी, इतना अभी जो दिखेगा, जो दिखे सिर्फ पेड़ा पेड़ा पेड़ा। अब ये सोचो तभी, देख लो भाई। और ये कस्टमर जो है ये सोच रहे हैं कहीं हमें ठक न ले, और जो दुकानदार है वो सोच रहे हैं भाई बिक जाए सही सलामत। चलो देखो, ये देखो गाइस पेड़ा, ये और गाइस यहाँ पे जितने भी बम आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ पे रुक के जरूर वो पेड़ा लेते हैं। पहला ब्रेक तो था वो मंदार हिल पे और दूसरा ये पेड़ा लेने में, और ये अभी इलाका पेड़ा का ही इलाका में गाइस, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रहा है पेड़ा ही पेड़ा का दुकान मिल रहा है और कोई दूसरा दुकान ही नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गाइस कितना दुकान होगा यहाँ पे, लगभग 2000 प्लस होगा। इतना बड़ा मार्केट यार, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट हमें लग रहा है ये पेड़ा का स्पेशल। हाँ और तो पेड़ा इतना देखना है। दीदी का लॉकर देख रहे हो, वाह चाबी बढ़िया है गाइस, बहुत बढ़िया। गाइस बासुकीनाथ तो पहुंच चुके हैं और देखो आर्मी लोग अपना जल लेके ये देखो इसमें दौड़ाया जाएगा क्या, बोल बम। सोरेन मुख्यमंत्री ऑफ झारखंड गाइस, संपूर्ण शौचालय का भी व्यवस्था, स्वागतम, वेलकम जी वेलकम। आगे है टाना, बाहर तो लगता है नहीं कि इतना भीड़ होगा, यहाँ आने के बाद लगता है इतना ज़्यादा भीड़ है। तो हमारे पीछे यही मंदिर, यहीं पे जाना है लंबा लाइन लगा के। अब चल रहे हैं आगे, शुद्धिकरण करवाया जाए जल का। जल का तो शुद्धिकरण हुआ है ना, अब सिर्फ पानी वानी छींटना है, थोड़ा गीला कर ले कपड़े को। अच्छा यहाँ भी सिर्फ गंगा है गाइस, यहाँ भी स्नान करके फिर चलते हैं आगे। लो गाइस ऑनलाइन भी डाल सकते हो आप, यहाँ से डाल सकते हो जलार्पण काउंटर गाइस, यहाँ से आप डालो और एलईडी पे देखो। मंदिर जाने का रास्ता इधर है। तो गाइस बासुकीनाथ का शिवगंगा देख लो, तो यहाँ साफ है, शायद यहाँ भी वही है सिस्टम, साफ यहाँ भी नहीं। यहाँ नहाना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे नहाना है, नहाता भी नहीं भी नहाता चल रहा, लेकिन यहाँ नहाना बहुत जरूरी है। तो नहीं नहाएगा तो कैसे? मेरा भाई का लड़का स्नान नहीं करना चाह रहा था, उनको जबरदस्ती जो स्नान किया करवाया जा रहा है। और हम लोग सब 11 आदमी के लाट हैं, जिसमें कि 10 आदमी स्नान किए, एक आदमी स्नान नहीं कर रहा था, तो हम लोग सब जबरदस्ती इसको स्नान करवा रहे हैं। जल्दी करो। तो अभी सबसे बड़ा टास्क ये है कि आप मंदिर में जाके जल चढ़ाएं या ऑनलाइन जल चढ़ा दें। यार बहुत डिफिकल्ट है दौड़ना, पैर काम कर नहीं रहा है, जवाब दे चुका है पैर पूरा, और भीड़ आप देख ही रहे हो। हराना मत, कहीं खोना मत। मेरा कुत्ता का जल में लाइन। तो यार सिक्योरिटी को लेके आप मंदिर के आगे बहुत करीब हैं। बोल बम। अब गाइस धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ते जा रहा है। देखो हर एक बंदे यार इतना थके होंगे क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा। वैद्यनाथ में ही गाइस वहाँ पे जल चलाने में ही थक जाता है आदमी। अब गाइस मंदिर प्रासर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। गाइस मंदिर प्रासर में घुस गए, मंदिर कैंपस। हर महादेव, हर हर महादेव। अब गाइस अंदर घुसते हैं फटाफट स्पीड ये देखना। अंदर में एक मिनट का टाइम नहीं रहता है, इसलिए मोबाइल से वहाँ ब्लॉग नहीं कर सकते। वहाँ पे यार अगर आप ब्लॉग करोगे तो पुलिस वाले का लट लगेंगे लट। भोलेनाथ महाराज जी को भी जल चढ़ा ही दिए, जा रहे हैं पार्वती माता को जल चढ़ाने के लिए। यही है पार्वती माता का मंदिर। गाइस फटाफट घुसना है, फटाफट निकलना। जीत हो गया, दो जगह जल ढार के। गाइस आप खोजते अपने साथ वालों को, कहाँ है? हमारे साथ वाले अभी भी रास्ते में ही है, देखना। वीडियो कॉल करो ना यार, बहुत छोटा गेट है। अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी मिस करोगे तो गिर जाओगे, गिरोगे तो आपके ऊपर आदमी पे आदमी चढ़ जाएंगे यार। इधर से निकलना है क्या? गाइस इधर से निकलो। तो फाइनली गाइस एक मैच विन हो चुके हैं हम। आज आप चलते हैं घर की और गाइस यहाँ से अप्रॉक्स तो 100-150 किलोमीटर है। गाइस 150 किलोमीटर आप कैसे चले, अब यही तो सोच रहे हैं यार। गाड़ी में 15 मिनट भी बैठते तो नींद आने लग रहा है हमें, और 150 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है। वहाँ से कुछ खाया पिया जाए, फिर आगे के लिए स्टार्ट किया जाए नया जर्नी। अब नया जर्नी कहाँ के लिए किया जाए बताओ? कॉलेज, बैक टू कॉलेज। कटिहार जाना है, फिर कटिहार से फिर कॉलेज जाना है गाइस। तो अभी कुछ अपना करते हैं पेट पूजा, फिर आपको आगे बताते हैं। यहाँ से 150 किलोमीटर का है कटिहार गाइस। हालत ख़राब होने वाला है। पूरा जो होता है अपना पैंट शर्ट पूरा गीला है, गीला। और ऊपर वाला की कृपा से जल भी दोनों जगह ढार दिए। और अभी निकले हुए कुछ पेट पूजा करने के लिए। पेट पूजा देखो गाइस, देसी वाला नाश्ता। अब ये पेट पूजा करके फिर आपको मिलते हैं गाइस। यहाँ पर सोन पापड़ी बहुत फेमस है। उधर पेड़ा तो बहुत फेमस था, यहाँ सोन पापड़ी बहुत फेमस है। अब यहाँ से सोन पापड़ी पैकिंग करवाते हैं गाइस। रुक जाओ, टेस्टी है। अच्छा खाओ खाओ। तो गाइस बैक टू बैक चलते चलते यार हमें तो गाड़ी में बैठे बैठे नींद आ रहा था अभी, पता है। पापा हमें डांटे भी है, अभी बच गए गाइस। गाड़ी से गिर जाते हैं हम। नींद आ रहा है इतना ज़्यादा ना, इतना सेक्सी वाला नींद आ रहा है, क्या बताएं। थके हुए भी बहुत ज़्यादा है। और गाइस देख लो ये लोग क्या कर रहा है अभी। तो गाइस हम लोग आ गए यार, होटल अब खाएंगे बाहर पेट। फिर से हम लोग बाइक का रैली में निकलेंगे। अब मन नहीं कर रहा है बाइक से चलने का, अब चलाने का मन कर रहा है। अब मन कर रहा है आराम से 4 व्हीलर पे लेटो और घर पे ही सीधा आँख खुले। अफसोस गाइस, क्या बताएं। ये देख लो, इतना सीनियर सिटीजन है, इतना नियम कानून है ना यार, क्या बताएं। इतना क्या बताएं यार। ये हमारा चावल, लास्ट हमारा स्टॉपेज चाय ब्रेक यहाँ पे है। और ये लोग चाय, तुम लोग पी लिया? आप पी लिए चाय? अच्छा। अब लास्ट तो हम बच गए थे, हम पीछे हो गए थे गाइस। अब यहाँ से प्रॉपर बचा है कितना किलोमीटर बचा है यहाँ से? 70 किलोमीटर में हम घर पहुँच जाएंगे फाइनली। 70 किलोमीटर कैसा रहा ट्रिप आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा यार। तभी से अभी आए बच्चे का टीम में, तभी से हम पापा के साथ थे गाइस। एक क्लिप्स हम शूट नहीं कर पाए, क्या बताएं। इतना तगड़ा आया स्टेप आया यार, एक क्लिप्स गाइस हम शूट नहीं कर पाए। अभी अंधेरा हुआ, फिर अपना छोटे भाई के साथ आए गाइस, फिर अभी क्लिप शूट कर पा रहे हैं। पापा के सामने क्या बोले क्या करे ये तो समझ ही नहीं आता है। ट्रिप का लास्ट स्टॉपेज। अब हमारा ट्रिप हो चुका कंप्लीट। 3 दिन का ट्रिप था, बड़ा मजा आ गया। हाँ भाई, क्या खा रहा है? बिहार का देसी फूड, लिट्टी चोखा। तो गाइस आपको भी दिखाते हैं बिहार का देसी फूड। अगर आप खाए हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है गाइस। अपना यहाँ लिट्टी चोखा लग रहा है। तो गाइस लिट्टी चोखा, वाह गाइस। अगर आप खाए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। हर हर महादेव। पहुँचे अभी हम घर और देखते हैं। अब तो आराम ही करना पड़ेगा, क्या कि कितना घंटा हो गया? 24×48 और 56। 3 दिन, हाँ 3 दिन 56 घंटा बैक टू बैक अपना गाइस तीर्थ यात्रा में निकला। तो आज दिन से हमारा नया ब्लॉग स्टार्ट होगा, पूरा गांव का ब्लॉग गाइस। तो बाय बाय, टेक केयर, स्वीट बिग ड्रीम। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस। कमेंट में हर हर महादेव करके जाना। बाय बाय।